हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हम जहांगीर के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज खुर्रम। इन 1612 CE ही गॉट मैरिड टू अशरफ खान्स डॉटर अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल। ही वॉज कोरोनेटेड इन आगरा इन फरवरी 1628 CE। ड्यूरिंग हिज रिजाइन खान जहाँ लोधी एंड जुझार सिंह बुंदेला रिवॉल्ट अगेंस्ट हिम। शाहजहाँ डिफीटेड फॉर पोर्टुगीज इन हुगली इन 1632 CE। ही मर्ज अहमदनगर इन द मुगल एम्पायर। शाहजहाँ का बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। उन्होंने 1612 CE में आशफ खान की जो डॉटर थी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है, उनके साथ में हुआ था। फरवरी 1628 CE में आगरा में उसका क्या हुआ था, जो राज्यारोहण या कोरोनेशन हुआ था। उसके शासनकाल में खान जहां लोधी जुझार सिंह बुंदेलो का विद्रोह हुआ। शाहजहां ने 1632 CE में पुर्तगाली को हुगली में जो है हरा दिया था, और उसने अहमदनगर का विलय जो है मुगल साम्राज्य में करा दिया था। ही डिफीटेड सुल्तान आदिल खान ही डिफीटेड बीजापुर सुल्तान आदिल शाह इन 1652 CE। शाहजहां मैरिड हिज सन औरंगजेब फॉर वायसराय ऑफ डेक्कन इन 1657 CE। औरंगजेब इम्प्रिजन शाहजहां इन आगरा फोर्ट। ही असैसिनेटेड हिज ब्रदर्स डारा मुराद एंड शुजा एंड ही हिमसेल्फ असेंड द थ्रोन। शाहजहां डाइड इन 1666 CE अ सक्सेशियन बैटल नेम द बैटल ऑफ डेरमट टुक प्लेस बिटवीन दारा शिको एंड औरंगजेब। फ्रेंच ट्रेवलर फ्रेंसियो बर्नियर एंड इटालियन ट्रेवलर निकोलियो मोनाची हैव डिस्क्राइब शाहजहां रिजाइन। शाहजहां बिल्ड अ मेजोलियम ऑन द टॉम्ब ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल विच इज नोन एज ताजमहल। बीजापुर में सुल्तान आदिल शाह को परास्त किया और 1652 CE में शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को साउथ का वायसराय बनाया। 1657 CE में औरंगजेब ने शाहजहां को आगरे के किले में कैद कर दिया, अपने भाइयों दारा मुराद और शुजा को मारकर स्वयं जो है गद्दी पर बैठ गया था। 1666 CE में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी और अपने जो सक्सेशन यानी उत्तराधिकारी हेतु धर्मठ का युद्ध जो है दारा शिको और औरंगजेब के मध्य हुआ था। फ्रेंच ट्रेवलर जो है बर्नियर ट्रेवनियर और इटालियन ट्रेवलर मनुची ने जो है शाहजहां के शासनकाल का वर्णन किया है। उसके अलावा शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में जो है एक मकबरा बनाया जिसे ताजमहल के नाम से जाना जाता है। फिर औरंगजेब जो कि 1658 CE से लेके 1707 CE तक है। आफ्टर बिकमिंग द रूलर औरंगजेब डिफीटेड द राठौर्स ऑफ मारवाड़ असम कच्छ बिहार रंगपुर एंड कमरत। ही अपॉइंटेड किंग जय सिंह एज द गवर्नर ऑफ डेक्कन। ट्रीटी ऑफ पुरंदर took place between शिवाजी एंड किंग जय सिंह
इन जून 1665 सीई शिवाजी गॉट अप हीज 23 फोर्ट्स ऑफ किंग जय सिंह इन 1666 सीई शिवाजी विजिटेड औरंगजेब कोर्ट विद द एफर्ट ऑफ राजा जय सिंह बट औरंगजेब डिड नॉट बिहेव रेस्पेक्टफुली एंड डिसाइड द इम्प्रिजन शिवाजी विद द हेल्प ऑफ द एन इंटेलिजेंट प्लान मेड बाय हिम कंपेनियंस शिवाजी सीक्रेटली मूव्ड आउट ऑफ द फोर्ट एंड वेंट अवे टू महाराष्ट्र औरंगजेब के शासक बनने के बाद में उसका रूलर बनने के बाद में उसने असम कूच बिहार रंगपुर कामरूप मारवाड़ में के जो राठौड़ को पराजित किया उसने राजा जय सिंह को जो है साउथ का गवर्नर नियुक्त किया पुरंदर की जो संधि है पुरंदर की संधि जून 1665 में शिवाजी एवं राजा जयसिंह के मध्य हुई शिवाजी ने अपने 23 किले राजा जयसिंह को दिए और 1666 में शिवाजी राजा जयसिंह के प्रयासों से औरंगजेब के दरबार में पहुंचे मगर औरंगजेब द्वारा उनके साथ जो है अच्छा जो है रेस्पेक्टफुली व्यवहार नहीं किया गया अपितु जो है उनको षड्यंत्र पूर्वक जो है उनको बंदी बना लिया गया था शिवाजी अपने सहयोगियों को उनकी चतुराई पूर्वक सहयोगियों की चतुराई पूर्वक योजना से गुप्त रूप से जो है किले से निकलकर महाराष्ट्र चले गए औरंगजेब इंसल्ट एडवांस एंड ऑक्यूपाइड बीजापुर एंड ही ऑक्यूपाइड गोलकुंडा ऑल्सो इन 1686-87 ड्यूरिंग हीज रिजाइन 5% एडिशनल टैक्सेस वॉज इम्पोज ऑन हिंदू ट्रेडर्स औरंगजेब ऑर्डर टू डिमोलिश टेम्पल्स इन 1669 1679 जजिया वॉज इम्पोज ऑन हिंदू औरंगजेब यूज रिलीजियन एज अ वेपन ही बैंड द प्रैक्टिस ऑफ जरोखा दर्शन एंड म्यूजिक विच वॉज प्रिवेंटेड सिंस अकबर रिजाइन औरंगजेब डाइड इन अहमदनगर इन 3rd March 1707 ड्यूरिंग द हीज रिजाइन द जाट्स रिवोल्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ गोकुल इन 1668 द सतनामीज रिवोल्ट इन 1672 सिख गुरु तेग बहादुर ऑल्सो रेज वॉइस अगेंस्ट हिज एट्रोसिटी ऑफ औरंगजेब ही वॉज किल्ड फॉर द दिस रीजन औरंगजेब 1686 में औरंगजेब ने स्वयं जाकर बीजापुर पर जो है कब्जा कर लिया एवं 1678 में गोलकुंडा पर भी अधिकार कर लिया उसके जो शासनकाल था उसमें हिंदू व्यापारी जो थे हिंदू ट्रेडर्स जो थे उन पर 5% का जो है टैक्स बढ़ाया गया 1669 में मंदिरों को जो है ध्वस्त उनको जो तोड़फोड़ करने का आदेश औरंगजेब ने दिया 1679 में हिंदुओं पर जो है पुनः उसने जजिया टैक्स लगाया जजिया कर लगाया औरंगजेब ने ही मजहब को एक औजार के रूप में जो रिलीजन है उसको औजार के रूप में प्रयोग किया उसने अकबर के काल में काल से चली आ रही प्रथा जरोखा दर्शन और जो म्यूजिक था जो संगीत था उस पर भी रोक लगा दी 1707 में अहमदनगर में उसकी मृत्यु हो गई थी उसके शासनकाल में 1668 में गोकुल के नेतृत्व में जाटों ने और 1672 में
सतनामियों ने जो है विद्रोह किया था। सिखों के गुरु तेग बहादुर ने भी औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई, इसके कारण से उन्हें मार दिया गया। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द डायनेस्टी मुगल डायनेस्टी गॉट इनकैपेबल एंड वीक सक्सेशन ड्यू टू विच द मुगल एम्पायर स्टार्टेड टू डिक्लाइन ग्रेजुअली। इन 77 CE बहादुर शाह असेंडेड द मुगल थ्रोन इन द ईयर 1711। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ सूरत सेंट इट्स डेप्यूटीज इन बहादुर शाह कोर्ट ऑन विच द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियंस लेडी नेम्ड जूलियाना डायस डा कोस्टा इज विजिबल। शी हैड अटेंड टाइटल सच एज खातूम बीवी एन फिदवी दोगा जूलियाना। शी लार्जली प्रोटेस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पोर्टुगीज। फ्रॉम 1712 CE टू 1757 CE मुगल कोर्ट रिमेन्ड मेयरली अ सेंटर ऑफ कॉन्स्पिरेसी एंड एसेसिनेशन। इट्स प्लेस हैड बिकम नेग्लिजिबल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल पावर। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल जो डायनेस्टी थी, मुगल की जो वंश था, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा और अयोग्य उत्तराधिकारी मिले, जिससे मुगल साम्राज्य का जो है धीरे धीरे पतन होना प्रारंभ हो गया। 77 CE में बहादुर शाह मुगल तख्त पर बैठा। सूरत की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी 1711 CE में बहादुर शाह के दरबार में अपना एक शिष्टमंडल भेजा। अपने जो डेप्यूटीज है वो उन्होंने उसके दरबार में भेजे। उस पर डोना जूलियाना डायस डा कोस्टा नामक एक ईसाई जो क्रिश्चियन महिला थी का प्रभाव देखने को मिलता था, जिसे खातूम बीबी फिदवी दू आगो जूलियाना की उपाधियां मिली हुई थी। उसने पुर्तगालियों के हितों की बड़ी रक्षा की। 1712 CE से लेकर 1757 CE तक मुगल दरबार एवं जो उसका जो तख्त षड्यंत्र था, असेसिनेशन जो था, तख्त षड्यंत्र जो था एवं हत्या का केंद्र बनकर रह गया था। तत्कालीन जो उस समय के जो राजनीतिक शक्ति के रूप में उसका शान जो है वो बिल्कुल ही कम हो गया था, उसका जो है नेग्लिजिबल यानी गौण हो गया था। फिर है एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वॉज अ फ्यूजन ऑफ इंडियन एंड फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। द एम्परर वॉज द सोवरेन पावर। वकील मुताकिल वजीर वॉज द सेकेंड बिगेस्ट ऑफिसर आफ्टर द एम्परर। अ हेड नेम्ड सदर मिर ए सामा वॉज द चीफ ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो मुगल शासन था उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था उसमें भारतीय और विदेशी जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था का मिला जुला रूप था। बादशाह जो एम्परर जो होता था वो शासन का हेड होता था और सर्वे सर्वा होता था। वकील मुतलक वजीर जो है वो बादशाह के बाद एम्परर के बाद में सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता था और एक प्रधान जो कि सदर मीरे समा नाम के दीवान जो कि क्या करता था, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड होता था। प्रोविनिकल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज
divided into subas, which was 15 in numbers during the reign of Akbar and had increased to 21 during the reign of Aurangzeb. There were Subedar, Diwan, Sadr Qazi, Provincial Bakshi, Kotwal, etc. were regarded as the officers of the period. District administration was the head of Fauzdar, Amal Guzar, warehouse keeper, Biti Kuchi, Shikdar, Amil, Fortdar, and Kanungo. जो प्रोविनिकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रांतीय एडमिनिस्ट्रेशन था वो सूबों में विभक्त था, डिवाइड था, जो अकबर के समय में 15 थे, जो अब बढ़कर औरंगजेब के समय में 21 हो गए थे. इसमें सूबेदार दीवान, सदर काजी, प्रांतीय बख्शी और कोतवाल आदि अधिकारी होते थे. जिले का जो शासन है वो फौजदार अमल गुजार, जो कि माल गुजारी का काम करता था, वेयर हाउस कीपर होता था. उसके अलावा बीती कची, जो कि एक असिस्टेंट होता था. शिकदर होता था, वो क्या होता था, हेड ऑफ द परगना का हेड होता था. फिर अमील होता था मुनसिफ. फोर्थदार जो होता था वो ट्रेजरर होता था. और कानून को क्या होते थे, कानून को जो होते थे वो पटवारी का अधिकारी होता था, के हाथों में उसका एडमिनिस्ट्रेशन था. एम्परर यूज्ड टू बी द चीफ कमांडर. आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज एज पर मनसबदारी में सिस्टम. मनसबदारी वॉज डिवाइडेड इंटू जटास एंड सबराज. बादशाह का जो शासन था का जो प्रधान सेना, बादशाह जो है वो सेना का प्रधान सेनापति होता था. सेना मनसबदारी प्रथा पर आधारित होती थी. मनसबदारी जो है वो जात और सवार में विभक्त होती थी. थैंक यू.